So guys, welcome to my channel. Today I'm playing Minecraft. This is my new series और ये normal वाला नाइक sky block नाइक का ही है. तो guys चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बर्बादी ऑफ वक्त. तो अगर आपको Minecraft अच्छे से खेलने तो पहले आपको wood काटनी है. ये हर गेम का ये एक हर सर्वाइवल गेम का ये मिनिमम होता है. ऐसे अगर हमें सर्वाइव करना है वुड हमेशा कलेक्ट करनी ही होती है. तो गाइस मैं वुड कलेक्ट करके आपसे मिलता हूँ. तो गाइस मैंने 10 वुड कलेक्ट कर लिए और इसमें जब रात होगी ना तब मैं थोड़ा चीट से मैं डे कर दूंगा क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है रात से इस गेम में. तो अगर आपको बनाना है ना कुछ तो मेन चीज होती है पहले आपको यहाँ पर ऐसे क्राफ्टिंग टेबल बनाना है. उसके बाद ही सब कुछ करना बहुत जरूरी होता है. और अभी जो सामने लंबा सा लंबू था उसको कभी मत देखना बहुत गंदा मारता है वो. एक हमें ये बनाना है, एक ये, एक ये, एक ये. और ऐसे करना है. तो मैंने अब बहुत ही सारी अभी इनफ लकड़ियां हो गई. अब एक घर बनाने के बाद हम सीधा जाएंगे माइनिंग के लिए. अभी सिर्फ ऐवे यावे घर बनाना है. जैसे हम बस सर्वाइव करते हैं वो हम यहाँ पर बना लेते हैं. तो अगर आपको बेड बनाना है तो मेन चीज़ है आपको पहले तो 3 शीट्स चाहिए उस सेम कलर की. फिर अब आप बेड बना सकते हो. आपको फिर सिर्फ सोना है और भाई तो फिर दिन हो जाएगा. क्या ये पूछ के घर में आना चाहिए. मेरे को सामने दो दो बकरियां दिखी है. RIP टू बकरीज. थोड़ा छोटा कर देते हैं घर इतना छोटा. तीन इसकी 3 की हाइट होगी. ओ भाई अगर आपको लकड़ी कम पड़ी तो एक चीज़ आप कर सकते हो जो कॉर्नर है ना यहाँ से तोड़ लो. इसके बाद हम थोड़ा सा स्टोन माइन करेंगे और अपने बाकी के काम करेंगे. ऐसे ही कर लेते हैं.
थी तो यहाँ हमारा घर तैयार है। तो गाइस अब हम अपना घर हमारा बनने वाला है। जैसे घर बनेगा मैं आपसे, जैसे ही घर ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बनना, तो मैं फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दूँगा। तो गाइस हमारा घर अब तैयार हो गया है। ये पूरा घर बेकार से बना है, उसमें बस डिज़ाइन भी नहीं आता कोई, उसको लगा सकते हैं। हाँ तो अब हम थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे पर यहाँ से हम पत्थर माइन करेंगे बहुत सारा। मिनिमम इतना जिससे हम पूरा सेट बना सके, पत्थर का स्वॉर्ड हो, शवल, एक पिकेक्स। सो गाइस हमारा पूरा ये बन गया है सेट। अब हम कोल माइनिंग के लिए ढूंढ चलते हैं। क्योंकि कोल बहुत जरूरी होता है दो चीजों के लिए, उस आईजी तो भाई आयरन मिल गया, क्योंकि हम उससे ओर्स भी पिघला सकते हैं, खाना बना सकते हैं, टॉर्च बना सकते हैं, और टॉर्च दुनिया की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। भाई कितना है हमें? तो हम ये काम करने वाले हैं। कोल इधर कम है पर आयरन बहुत है। ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर बहुत सारा आयरन कोल है, पर हम कच्ची से बाद में करेंगे, इतना डीप नहीं जाना है क्योंकि तो बहुत स्केलेटन कैसे है। डर गया मैं तो गाइस मैंने सोचा था कि कल हम आयरन का काम करेंगे, पर आज ही हो गया, बहुत सारा आयरन मिल गया हमें भी। अब हम आज ही टूल्स बना लेंगे, और जब तक ये सब होता है तब तक हम पॉज करेंगे। वाह ही वाह,
सो फ्रेंड्स, अभी मैंने बहुत ही सारा कॉबल स्टोन भी माइन किया है। कितना हो गया? अरे वाह, स्टिक्स आइटम बहुत है। ओके सो ये हटा दो, 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 ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो। तो गाइस, आज हमने तीन तीन चीज़ें पूरी कर ली, चार चार घर बना लिया, आयरन ढूंढ लिया, कॉबल स्टोन की चीज़ें बना ली और फूड की चीज़ें बना ली और खाना बना ली। मेरे को आयरन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। घोड़ा नहीं, मनोविज्ञान। तो हमारा माइनक्राफ्ट का मनोविज्ञान मैं आपको एक बताता हूँ। अगर आप नीचे कोल या कोई भी फ्यूल रखोगे और ऊपर वुड रखोगे, ये वाली रॉ वुड, मतलब वो वाली वुड नहीं, मतलब जो ये वाली वुड होती है ना, रॉ वुड को अगर हम अपने उसमें डालें फिर एक से चार बन जाती है, वो वाली नहीं, ये वाली जो बाहर है ना रॉ वुड, उसको अगर हम इसमें डालें फ्यूल के ऊपर तो कुछ चारकोल बन जाता है, वो भी एकदम कोल की तरह काम करता है। खाना खाना बहुत डिफरेंस नहीं है। गाइस, हमारा भी खाना पक रहा है और बहुत आधे से ज़्यादा खाना हो गया। बस अब पॉक चॉप, बीफ, मटन यहाँ तक हो गया है। बस एक चीज़ करनी है, वो एक चीज़ कुक करनी है, वो है चिकन, मेरा फेवरेट। सो अब मैं मेन चीज़ करने जा रहा हूँ, वो है टॉर्च लूँगा पहले तो। तो अब मैं मेन चीज़ कर रही है, तो मैं अब मेन चीज़ करने वाला हूँ, वो है माइनिंग। मैं ब्लॉक्स ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चलो क्यों नहीं जाता।
शिट। तो गाइस मैंने एक बकेट बना लिया और अब मैं एक इन्फिनिट वाटर सिस्टम बनाऊंगा। वाटर बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में भी गेम्स में भी। मैं हर वर्ल्ड में चीटिंग करता हूँ पर इसमें नहीं की। मैंने इस बार मैंने सोच लिया कि इसमें चीटिंग नहीं करनी है। कितना पानी चाहिए रे? अब ये एकदम फुल है। 4x4 का होता है। अब ये पूरा इतना सारा पानी है, मतलब जितना ओशन में पानी नहीं होगा ना उससे ज्यादा पानी है। गाइस मैं आपको कोल माइन करके मिलता हूँ। तो गाइस अभी कोल तो मैं माइन नहीं करूँगा, मैं चारकोल कर लूँ बना लूँगा क्योंकि वो ज़्यादा इजी होता है। प्लस इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ता तो डर भी नहीं लगता। कितनी जल्दी सब कुछ आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे क्रिएटिव में खेल रहा हूँ। तो अब हम चारकोल बनाएंगे। आयरन मैंने बकेट बना ली थी इसलिए 3 कम है, वरना 15 ही होना चाहिए। हमसे ना भागो भैया, हमसे ना भागो। बाद में ये पकाएंगे। वुड कलेक्ट करनी है बहुत सारी, इतने ज़्यादा कि सारा काम हो जाए। आज एक स्टैक कलेक्ट कर। तो गाइस मैंने 64 एक स्टैक से तो ज़्यादा ही लकड़ियाँ कलेक्ट कर ली। तो यहाँ पर सारी लकड़ियाँ तो नहीं, 20 लकड़ियां हम ऐसी छोड़ देंगे। हाँ 20। ओके। एक ब्लास्ट फर्नेस भी होता है। ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट 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 वो स्मूथ स्टोन कैसे बनता है? कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन स्मूथ। समझ आ गया। ये छोड़ो, ब्लास्ट फर्नेस में जाते हैं।
ऐसे ही कुछ होता है। अब मैं अगर इसको करूं तो क्या? स्मूथ स्टोन। ओके, 3 स्मूथ स्टोन चाहिए, फिर सब कुछ हो जाएगा। एक तो गाइस अब वो घड़ी आ गई, जब हम आने वाली है वो घड़ी। अरे बास्ट, ओ ओ मैं तो भूल ही गया, शिट, मैं भी बहुत पागल हूँ। गाइस फाइनली बन ही गया। ओह वाओ, तो अब मैं इसको इसमें ये यूज करूंगा और करूंगा। ये क्या हो रहा है? ये सब फोर्स के लिए मतलब है? गाइस ये सिर्फ फोर्स के लिए, बाकी चीजों के लिए तो एक ही चीज यूज करनी पड़ेगी। फर्नेस कोई बात नहीं, वही बना लेते हैं, तो कोई बात नहीं गाइस। क्या होता है इतनी ज्यादा स्टोन है? तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं।